Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Yashika. Hope you all are doing good. So today I'll show you how to fetch the latest 10 incidents, or you can say 20 by any number, uh, by the latest created incidents in a script. So this video is basically for the new users. So I'll tell you in Hindi today that how you can do that. How to uh, Try my best to understand you the coding and this. So let me open the fix script for that. Okay. So let me create a one new fix script. Uh, okay. So its name we give. Test. Okay. Our uh, latest incidents. So let's save this fix script form. ओके सो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग फर्स्ट ग्लाइड रिकॉर्ड करेंगे सो लेट मी क्रिएट दिस इज अ ऑब्जेक्ट विद कीवर्ड न्यू ग्लाइड रिकॉर्ड वी आर डूइंग फॉर द इंसिडेंट्स सो इट मींस वी आर डूइंग ऑन द इंसिडेंट टेबल सो फॉर इंसिडेंट टेबल वी जस्ट गिव ग्लाइड रिकॉर्ड में ब्रेसिज में ऑलवेज वी गिव टेबल नेम ओके देन जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वेरिएबल के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है हम हमेशा इसको यूज़ करेंगे इससे हम इंसिडेंट के वेरिएबल्स को फैच कर सकते हैं सो so, जी आर डॉट हमको चाहिए लेटेस्ट सो लेटेस्ट का मतलब है जो लेटेस्ट क्रिएट हुआ है सपोज आज के क्रिएट हुआ है फिर देन जो कल क्रिएट हुआ होगा जो द डे बिफोर कल uh, ये स्टडी क्रिएटि हुआ होगा हमें इस ऑर्डर में इंसिडेंट्स चाहिए सो so, इस ऑर्डर के लिए वी हैव अ मेथड ऑर्डर बाय डिसेंडिंग सो वी यूज व्हेन यू राइट जी आर डॉट ऑर्डर देन यू विल गेट द टू थिंग्स ऑर्डर बाय एंड द ऑर्डर बाय डिसेंडिंग सो वी विल डू ऑर्डर बाय ओके लेट मी शो यू बाय ओपनिंग द इंसिडेंट फॉर्म Uh, so let me open any of the incident. Uh, okay, leave that part. so this is the created and uh, currently it is sorted in a descending way only. so if i say all, we are not putting any condition active true. Uh, firstly, we are uh, doing for the all of the incidents whether it is active or not. so how we can do that? so we, uh, the backend uh, name of the created the backend name hai, सपोज आई हैव आई वॉन्ट द बैक एंड नेम ऑफ द क्रिएटेड आई वॉन्ट टू पुट द बैक एंड नेम हियर सो एज आई नो कि बैक एंड नेम क्या है बट अगर आपको फैच करना है कि बैक एंड नेम क्या है क्रिएटेड का सो जस्ट राइट क्लिक ओवर क्रिएटेड एंड कॉन्फिगर डिक्शनरी वैन यू कॉन्फिगर डिक्शनरी सो ओपन ओपन एनी फॉर्म एनी रिकॉर्ड जब भी आप कोई रिकॉर्ड ओपन करोगे ओके यहाँ से रहने देते हैं मैं आपको बताती हूँ दूसरा वे हाउ टू ओपन हमने ये फॉर्म ओपन किया था ठीक है सॉरी <coughs> इस पर हम लोग एक क्रिएटेड फील्ड ऐड कर लेंगे गो टू द कॉन्फिगर फॉर्म लेआउट

सिज क्रिएटेड ऑन सो वी आर ऑर्डरिंग बाई डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द फील्ड सिज क्रिएटेड ऑन ओके नाउ वी वॉन्ट ऑनली टेन इंसिडेंट्स सो वॉट उसके लिए क्या करते हैं हम लोग सपोज हमें फाइव इंसिडेंट्स चाहिए या टेन चाहिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंसीडेंट्स चाहिए सो वी हैव अ मेथड सेट लिमिट सेट लिमिट में सपोज uh, uh, मैं अभी टेन दे रही हूँ आपको अगर फाइव इंसिडेंट्स चाहिए तो आप फाइव इंसिडेंट्स दे सकते हो ट्वेंटी चाहिए तो ट्वेंटी लिख सकते हो आफ्टर दैट वी विल रन आ क्वेरी मेथड देन वाइल वी विल यूज़ वाइल्ड हेयर क्योंकि वी आर फैचिंग लाइक टेन इंसिडेंट्स दिस नॉट द वन इंसिडेंट वी आर फैचिंग टेन इंसिडेंट्स अगर हमें एक इंसिडेंट चाहिए होता तो हम इफ लगा सकते थे बट हमें टेन चाहिए तो वाइल वाइल का मतलब होता है जब तक इफ का मतलब होता है जब जब उसको एक इंसिडेंट मिलेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा वाइल मतलब जब तक उसको इंसिडेंट्स मिलते रहेंगे जब तक हमारी कंडीशन मैच होती रहेगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा ये होता है वाइल का मतलब ओके okay. सो so, अभी हमको यहाँ क्या प्रिंट कराना है जी एस डॉट आई एम यूजिंग जी एस डॉट इन एज फॉर नाउ एंड दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर द जी एस इन्फो वी हैव द टू थिंग्स जी एस इन्फो एंड जी एस प्रिंट अगर जी एस प्रिंट कराना होता है मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगी जी एस इन्फो के लिए हमें आप याद रखिए जैसे जीरो मैंने किया है सो वी आर पासिंग वन एरे जस्ट गिव कॉमा एंड राइट द एरे अगर मेरे पास दो होते हैं सपोज मुझे दो चीज़ें पास करानी है दो चीज़ें प्रिंट करानी हैं तो एरे ज़ीरो एंड देन आई विल डू एवि वन ओके एंड यहाँ पे ब्रेसिज में ब्रैकेट्स में मैं क्या करूँगी पहले जीरो की वैल्यू दूंगी कॉमा देन वन की वैल्यू ओके सो एज़ फॉर नाउ ओनली ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास सो ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी इंसीडेंट नंबर सो वैन यू गो ऑन द इंसीडेंट फॉर्म दिस इज़ द नंबर आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस नंबर सो टेक द बैकेंड वैल्यू ऑफ दिस नंबर इट इज़ द नंबर एंड पुट एयर जी आर डॉट Number colon, just save it and let's run our fix script. Proceed. See, we got the 10 incidents. So 601 you can cross verify on the form. This is the created has been sorted, already sorted ascending descending order. Mein. So first incident is 601. Here also first incident is 601. 055, 047 Okay. I will show you one more thing. So if I want to check only for the active equals to two, Jab active true hai bas wahi incidents incident.

ओके okay. और एड क्वेरी में क्या होगा हमारा एक्टिव ट्रू वी आर मैचिंग द एक्टिव ट्रू ठीक है हमने अब यहाँ पे कंडीशन लगा दिया पहले हमारी कोई कंडीशन नहीं थी एक्टिव ट्रू हो फॉल्स हो एनी अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो हम एड क्वेरी से लगाते हैं कंडीशन ठीक है अभी हम रन कराते हैं मैं स्क्रिप्ट को सी